झारखंड विधानसभा की ओर से आयोजित छात्र संसद के लिए चयनित बगोदर की बेटी सभ्यता भूषण ने गिरिडीह का मान बढ़ाया है। छात्र संसद में इनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा और उत्कृष्ट भूमिका के लिए इन्हें द्वितीय स्थान देकर इनका सम्मान किया गया। इससे परिजनों सहित इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि 30 व 31 अक्टूबर को झारखंड विधानसभा की ओर से आयोजित छात्र संसद में बगोदर डे की मुखिया डॉक्टर शशिभूषण की पुत्री सभ्यता का चयन गिरिडीह जिले से हुआ था। विधानसभा में आयोजित छात्र संसद में यह विपक्ष में बैठी थी। सभ्यता भूषण के पिता डॉक्टर शशिभूषण भी बेटी की सफलता से बेहद खुश हैं। वहीं सभ्यता भी इस सफलता से काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। बताया गया कि चैंपियन ऑफ झारखंड छात्र संसद में सभ्यता भूषण दूसरे नंबर पर रही। इसके लिए इन्हें मेडल, प्रशस्ति पत्र आदि मिले हैं। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सभ्यता ने छात्र संसद के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं अपने तमाम सहयोगियों के प्रति भी इन्होंने आभार जताया। बताया गया कि राज्य से यूनिवर्सिटी स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को छात्र संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और वहां पक्ष और विपक्ष ने मिलकर भविष्य के लिए एक स्वस्थ और बेहतर राजनीति की उम्मीद रखी। क्या होगा हे आर्य आर्यावर्त के, भारत का भविष्य क्या होगा? हे आर्य आर्यावर्त के, भारत का भविष्य क्या होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पहले से ही पर्यावरण संबंधित कई सारे कानून, कई सारे विधेयक बन चुके हैं, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जो पहले से विधेयक बने हुए हैं, क्या उनका हम अभी सही तरीके से अनुसरण कर रहे हैं? जी नहीं महोदया, पर्यावरण सुरक्षा हेतु इसके सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे हम संक्षिप्त में EPA के नाम से जानते हैं, क्या इस अधिनियम का पालन किया जा रहा है? आज भी हमारे देश में अवैध तरीके से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जा रही है। अगर हम बात अपने प्रदेश झारखंड की ही करें तो वो समुदाय जो जिसकी जीविकोपार्जन का एकमात्र स्रोत वन है, उसकी भी कटाई की जा रही है। तो महोदया, मेरा ये मानना है कि आप पहले जो चलाए जितने विधेयक है, पहले चलाए जितने कानून है, पहले इसका तो हम अनुसरण कर लें। सीधी तौर पर बात करें महोदया, तो ये विधेयक हमारी कानून को आम तौर पर कमजोर करना चाहती है। ये विधेयक मैंने पढ़ा अभी कुछ देर पहले, जिसमें एक अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7 साल तक वृक्षों की कटाई नहीं करनी है। क्यों महोदया, 7 साल के बाद हम उस वृक्ष की कटाई क्यों कर सकते हैं? मैं पूरे सदन के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी कि 7 साल के बाद क्या वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन नहीं देती है? क्या उस वृक्ष से हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है? तो इस मुख्य बिंदुओं पर आप एक बार गौर फरमाएं। IPC धारा 277 की अगर हम बात की जाए तो कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर सीवरेज वेस्ट को बिना STP या बिना ATP के माध्यम से हम किसी भी जलाशय या फिर नदी तालाब में डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आज भी हमारी राज्य सरकार इसे अनदेखा कर रही है, जिसका सीधा असर हमारे जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर जा रहा है। जोहार, नमस्कार, मैं सभ्यता भूषण गिरिडीह जिला से। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैंने प्रथम झारखंड छात्र संसद में पूरे राज्य में द्वितीय स्थान लाकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने झारखंड सरकार का, जिन्होंने प्रथम छात्र संसद का आयोजन किया और वहाँ पर मैं एक विपक्षी तौर पर निर्वाचित की गई थी। और एक विपक्षी का भूमिका वैसे भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ अपने विधेयक में जो पारित होने वाले थे, पर्यावरण संबंधित एक विधेयक पारित की गई हमारे सामने, मैंने खुलकर अपने मुद्दे को बहुत बेबाक तरीके से रखा, जिसे पूरे निर्णायक मंडली ने काफ़ी सराहा और फलस्वरूप मैं पूरे झारखंड राज्य में 24 प्रतिभागियों के बीच द्वितीय स्थान लाई। इसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और पूरे राज्य के जनता और हमारे प्रखंड जिले के एक एक जनता की मैं आभारी रहूँगी, जिन्होंने काफ़ी सारा प्यार मुझे दिया और आशीर्वाद दिया। धन्यवाद।